तो दोस्तों मेरा कोट कटिंग का वीडियो आने वाला है, तो चलिए इसमें जो है कटिंग में कौन कौन सा टूल्स प्रयोग किया हूँ उस सारे टूल्स का नाम बताएंगे बहुत ही बारीकी से, और आप लोग भी वो टूल्स जुगाड़ कर ले ताकि आप भी कोट कटिंग आसानी से सीख जाएं। तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट जितना टूल्स है हमने सब बता रखा है, तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारा वीडियो जो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो हमारे वीडियो को भी पूरा शेयर कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोट कटिंग का लेकर। तो जब तक आप लोग खुश रहो और हमेशा मेरे वीडियो को वॉच करते रहो, तो थैंक यू। और चलिए जानते हैं टूल्स का नाम। तो ये जो हमारा इम्पोर्टेंट टूल्स है, तो चलिए हम टूल्स का बारीकी से नाम बताते हैं। तो ये देखिए, सबसे अच्छी जो है एक मेजरमेंट होना चाहिए, एक अच्छा खासा नापी होना चाहिए। अगर मेजरमेंट का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मेजरमेंट का वीडियो पहले अपलोड करेंगे। और ये मेरा एल स्क्वायर है, इसके बिना जो है कोट में सीधी लाइन नहीं खींच सकते। और ये मेरा है जो है कर्व स्केल है, जो कि अरमोल कटिंग और डिजाइन कटिंग करने में हेल्प करता है। और ये मेरा कैंची जो है, इसमें शान अच्छा खासा होना चाहिए। और ये जो चकमिट्टी है इसको घिस कर पतली कर देंगे। ये देखिए कैंची से घिस कर हमने पतली कर रखी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा इंची टेप जो है नया होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। पुराना क्या है कि मेजरमेंट करने से वो लमर जाती है, यूज़ करने से लमर जाती है, तो दिक्कत हो सकती है। ये जो है मेरा छोटा सा एल स्क्वायर है, तो ये आपको आसानी से दुकान पर मिल जाएगा, या कोई लड़का आईटीआई करता होगा, इंजीनियरिंग करता होगा, उससे भी आप ले सकते हो। तो ये टूल्स जो है आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।